चलो बहादुर, तो कॉपी कलम लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का पॉइंट है हम लोग का दर्शन कोण। दर्शन कोण बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस दर्शन कोण का दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व है, आज हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, बचपन में देखते होंगे, कभी हम लोग के सर के ऊपर से जहाज निकलता होगा, एक ही वो जोर से चिल्लाते, ओ देखो जहाज। खूब देखते हैं ना, खूब एक्टिव होकर के हम लोग देखते हैं जहाज जहाज। बबुआ, वो जहाज आसमान में कबूतर खानी छोड़ चुके दिखाई देता है, लेकिन रियली में वो जब धरातल पे आता है तो बहुत बड़ा होता है। आखिर क्या रीजन है कि वही जहाज इस धरातल पर छोटा दिखाई दे रहा है और वही जहाज उस आकाश में बड़ा दिखाई दे रहा है? ये सब दर्शन कोण पे डिपेंड करता है बाबू। उतना ही नहीं, इसके बाद भी आप लोग देखे होंगे सूरज को, सूर्य को देखे होंगे। सूर्य ना वो पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, इसके बावजूद भी इतना ही दूरी में दिखाई दे देते हैं हम लोगों को। क्या रीजन है? चांद को देखे हैं, चांद को, चांदा मामा के देख ले पर लो, बहुत बड़े हैं वो, लेकिन हम लोग उनको इतना ही दूरी में देख करके रह जाते हैं। ये सब क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब दर्शन कोण पर डिपेंड करते रहो। तो आज सोच लीजिए कि कितना बेहतरीन टॉपिक है ये दर्शन कोण आपके लाइफ में। एकदम बिल्कुल देखते रहिए इस वीडियो को, अंत तक बने रहिए ना, ऐसा ऐसा पॉइंट इसमें मिलेगा ना कि देख करके आपको लगेगा कि रियली में वाह क्या बात है। चलिए तो हम लोग आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाबू दर्शन कोण। हेडिंग लगाइए, कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, दर्शन कोण विजुअल एंगल। दर्शन कोण ऐसे तो एकदम आसान डिफिनेशन है बाबू इसका, कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र की लेंस पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। देख इतना बेहतरीन टॉपिक है, किसी वस्तु द्वारा नेत्र के लेंस पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। एकदम इसको आप माइंड को एकदम शांत करके देखेंगे ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है बाबू, कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा इस पर जी नेत्र लेंस पर जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है बाबू, दर्शन कोण कहलाता है। अगर दर्शन कोण बड़ा होगा यानी अधिक होगा तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा, और दर्शन कोण छोटा होगा यानी कम होगा तो वस्तु छोटा दिखाई देगा। देखो कैसे, चित्र द्वारा इसको बताते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। मान लेते हैं ये नेत्र का लेंस है, ये हो गया बाबू गोलक, नेत्र गोलक, ये पीछे है रेटिना, रेटिना,
हम लोग क्या करते हैं कि इसके सामने एक वस्तु रखते हैं, वस्तु रखें, इस वस्तु का नाम रख लेते हैं बाबू ए बी। अब इसे एक प्रकाश की किरण नेत्र लेंस के प्रकाशी केंद्र से जाएगी, नेत्र लेंस के प्रकाशी केंद्र से जाएगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, यही दर्शन कोण है। वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर जो कोण बनता है यही है बाबू दर्शन कोण। दर्शन कोण है, अगर ये वस्तु ए बी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन गया ए डैश बी डैश। देखें इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, एक दूसरी प्रकाश के किरणें इधर से एकदम सीधे समानांतर इसके विभाग से आ रही है सीधे यहां पे, तो ये बन गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, वस्तु यहां रखे हैं। तो अब इसी वस्तु को ना थोड़ा सा नेत्र के और करीब ला कर रखते हैं। देखिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, नेत्र के करीब लाके रखते हैं, फिर एक प्रकाश किरण को इस प्रकाशी केंद्र से गुजारते हैं। अब क्या हुआ भाई, वही वस्तु उतना ही बड़ा है, केवल नजदीक ला दिए। वस्तु उतना ही बड़ा है, पहले कहां था, दूर था, अब इसको कहां ला रहे, नजदीक ला दिए। हां बट नजदीक में ये बात ध्यान रखना है कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तक ही लाए, अर्थात नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर जरूर रखें, अन्यथा अगर 25 सेंटीमीटर से काफी करीब लगेंगे तो धुंधला दिखाई देगा, अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक ना बाबू। तो ये बात आप विशेष केयर करके रखेंगे। तो वस्तु बाबू दूर था, अब कहां ला दिए, नजदीक ला दिए। वस्तु तो वही है, नो चेंजिंग, जितना हाइट का वस्तु पहले था उतने ही हाइट का वस्तु अभी भी है, उसके हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है। अंतर हुआ तो कहां हुआ, तो ये एंगल पे, इस पे जी एंगल पे, कोण पे, इस पे कोण पे अंतर हुआ। जैसे ही देखिए वस्तु दूर था, प्रतिबिंब ये प्रकाश की किरणें ये एडेस बीडेस बनाए, वस्तु वही ये भी है नजदीक लाए, अब तो सब प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है, देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बन, बड़ा बना। तो अंतर कहाँ है, स्थिति में, कहाँ जी, स्थिति में। वस्तु को नेत्र से आप जितना नजदीक रखेंगे, नजदीक में इस बात को ध्यान रखने, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी, तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा। आईसी को दूर जैसे जैसे छोटा होते जाएगा, एक किलोमीटर दूर लेकर रख दिए तो दिखाई दी हो, बहुत प्रॉब्लम होगा, होगा ना। यही कारण है ना बाबू कि चांद को देखते हैं, तारों को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो इतना ना दूर है कि उसके द्वारा नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता है ना, बहुत छोटा बनता है। बबुआ दर्शन कोण अगर छोटा होगा तब वस्तु छोटा दिखाई देगा, आप दर्शन कोण बड़का रही तो कहेंगे दिखाई दी हो, बड़ा दिखाई देगा। बोलना यार, खाली देख रहे तुम, बोलो कुछ, कॉमेंट करते रहो, चुपचाप देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं कुछ कमेंट करते रहो। हाँ तो दर्शन कोण फिर से देखो एक बार, दर्शन कोण किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण, संसार के किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र लेंस पर जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हो, दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। अब रहा बात कि वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो अगर वस्तु बाबू नजदीक होगा
तब दर्शन कोण बड़ा होगा। देख लीजिए, वस्तु नजदीक है, दर्शन कोण बड़ा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, अधिक है। वस्तु दूर रखे, दर्शन कोण छोटा बना। जैसे ही दर्शन कोण छोटा बनेगा, वस्तु भी छोटा दिखाई देगा। तो यही कारण था कि बचपन में जो हम लोग कहते थे वो जहाज जा रही है, जहाज जहाज एकदम चिल्ला करके खाना पीना भी छोड़ के एकदम दौड़ते थे, एक जहाज देख लेना है। अब वही जहाज जब करीब आता है, बहुत बड़ा, देखें नेता होता है रैली में देखे होंगे, कभी भाषण सुनने कहीं पहुंच जाते होंगे, जहाज चालू हो गया, जवार भर के देसी पाउडर देह पर फेंक देला न। तो यही कारण है कि वही जहाज अधिक ऊंचाई पे है, छोटा दिखाई दे रहा है, और वही जहाज नजदीक है, बड़ा दिखाई दे रहा है। वही चंदा मामा दूर है, छोटा दिखाई दे रहा है। नजदीक तो ला नहीं सकते, हम लोग को जाना पड़ेगा, उनके नजदीक जाएंगे, बड़ा दिखाई देंगे। वही सूर्य दूर होने के कारण दर्शन कोण छोटा बन रहा है, अतः कहां दिखाई दे रहे हैं, अतः कैसा दिखाई दे रहे हैं, छोटा दिखाई दे रहा है। तो यही बात है बाबू, ये सब दर्शन कोण का कमाल है कि अगर वस्तु नजदीक है, साफ शब्दों में जानो, अगर वस्तु नजदीक है, वस्तु नजदीक है तो उसके द्वारा दर्शन कोण जो बनेगा बड़ा बनेगा। देख रहे हो यार, दर्शन कोण बड़ा बनेगा, जब दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा, है ना जी। अगर वस्तु दूर है तो दर्शन को छोटा बनेगा, और जब दर्शन को छोटा बनेगा तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। यही कारण है कि वो बड़े बड़े तारे भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, है ना जी। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दर्शन को। आपको नोट क्या करना है कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना को दर्शन को कहलाता है, है ना। इसके बाद दूसरा बात कि किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अगर दर्शन कोण बड़ा होगा, दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा, दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु छोटा दिखाई देगा। दूसरी बात कि बड़ा और छोटा का कोण बनेगा, तो अगर वस्तु नजदीक होगा तो दर्शन कोण बड़ा होगा, वस्तु दूर होगा तो दर्शन को छोटा होगा। जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जाएंगे दर्शन को छोटा होते जाएगा, वस्तु छोटा दिखाई देगा ना। कभी आप लोग देखे होंगे ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ जाते होंगे, और उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे वाला देखते होंगे तो जो व्यक्ति इंसान दिखाती थी इतना छोटा छोटा, नहीं के विश्वास में तो जाके राजगीर में जो पहाड़ है उस पर चढ़ करके नीचे में देखिएगा, एकदम इतनी तीन साल दिखाई देंगे। किसका कमाल है जी, दर्शन कोण का। तो ये दर्शन कोण है। हाँ एक बात बताए थे बाबू, देखो ये तो आप समझ लिए, लेकिन आपको क्या नोट करना है, नोट आपको क्या करना है इसमें से। बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं, पता ही चलता है कि नोट क्या करना है। उसके लिए आपको नोट चाहिए एकदम ए टू जेड, कितना आपको कॉपी में नोट करना है। समझने के लिए वीडियो देख लीजिए, कितना आपको कॉपी में नोट करना है, आपको नोट चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल पे चैनल का आपको लिंक दे देंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपको इसका नोट भी, आपको क्या नोट करना है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो आज इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे कल आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। आप पहले से स्टडी करके तब बैठिए वीडियो को, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। और वही अंदाज जो क्लास में था, वही प्रक्रिया जो क्लास में थी, उसी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, स्टडी हम लोग का जारी रहेगा, हम आप लोग के साथ हैं, ठीक ना बाबू। तो आप लोग बेहतर तरीका से स्टडी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए। और आपके हित मित्र बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँचा सकते वीडियो को, आप पहुँचा सकते हैं, शेयर करते रहिए, सब लोग जुड़ जाएं। बस दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा नेक्स्ट टॉपिक का। धन्यवाद।